नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को सोमवार को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुलाम नबी आजाद को सम्मान दिया। इस साल 26 जनवरी को भारत सरकार ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण देने का ऐलान किया था। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने के बाद गुलाम नबी आजाद ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह अच्छा है कि उनके काम को नोटिस किया जा रहा है। यह पुरस्कार उन्हें देश के लिए और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। हमें किसे पुरस्कार दिया गया है और कौन पुरस्कार दे रहा है, इस पर नहीं सोचना चाहिए। पद्म पुरस्कार कोई सरकार नहीं, यह देश की तरफ से मिलता है। बता दें, इस साल कुल 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें दो युगल मामले भी शामिल हैं। इस वर्ष 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री दिए जाएंगे। 34 महिलाओं को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। दूसरा नागरिक अलंकरण समारोह 28 मार्च को आयोजित होने वाला है। इस रिपोर्ट में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।